वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा बड़ा सिंपल स्टाइल में सीख कबाब रोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने की रीज़न है चालाकी। देखिए हम कीमा पीसेंगे तो फिर हमारा वो ब्लेंडर धोना पड़ेगा, चटनी पहले बनाएंगे फिर कीमा पीसेंगे तो वो चटनी वाला कीमा चलेगा, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ब्लेंडर में थोड़ा सा पुदीना डालते हैं आधा कप के आसपास। खुशबूदार मज़ेदार सी चटनी बनेगी। अब पुदीने के साथ साथ थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, चॉप कर लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून पिसा हुआ लहसुन। अगर पिसा हुआ नहीं है तो इस वक्त आप दो तीन जवे डाल दें लहसुन के, मज़ेदार हो जाएगा। चलें ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे तीन सूखी हुई मिर्चें। हमारी यहाँ तेज़ नहीं होती है, अगर आपकी तेज़ होती है आपकी मर्ज़ी है कम ज़्यादा कर लें। और एक टीस्पून नमक, तो ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो ये चला गया दो टेबलस्पून के आसपास पानी। अब इसको हम बंद करते हैं, चलें इसको पीसते हैं। चलें अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो ये मैं जो हूँ वो डाल दे रही हूँ दो, आप चाहे तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। ये हो गया। देखिए हमारे पास यहाँ एक कप दही है, तो अब हम ये चटनी अपने दही में डालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। ये दही जो है खट्टा होगा तब भी मज़े का लगेगा, ना होगा तो भी चलेगा। अब सीख कबाब ऐसी चीज़ है जो मोस्टली सबको ही बहुत अच्छी लगती है, और ये रेसिपी ऐसी है जो चटपट खट 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 बन जाएगी और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होंगे, मज़ेदार होंगे, जल्दी बनेगी, इफ्तार सहरी लंच बॉक्स सब में मस्त है। सिर्फ मिर्चों का बस बच्चों के लिए ख्याल रख लें, जैसे आपके बच्चों को पसंद हो। चले तो अब ये चटनी जो है हम इसमें डालते हैं। अब ये देखें हमें फ़िक्र नहीं है कि हमारा ब्लेंडर में कुछ रह जाएगा, तो अब हम इसमें कीमा डालेंगे तो और मज़ेदार हो जाएगा। और अगर पहले कीमा पीस लेते तब धोना पड़ता या दूसरा ब्लेंडर लेना पड़ता, है ना चालाकी। और रमज़ानों में तो कम से कम हमारा काम हो वही बेहतर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो सके। खाना भी अच्छा है, इबादत भी करनी है। अब हमारी चटनी तो बड़ी ख़तरनाक सी बन गई, नींबू एंड में डालेंगे। और अब इसमें हम इसी सेम ब्लेंडर में ये तकरीबन हम डालेंगे आधा कप प्याज। तो ये मेरी ये पीस है इतना, तो ये मैं बेसिकली चार टुकड़ों में करके डाल दूंगी ताकि हमें काम नहीं करना पड़े और ब्लेंडर करें। ये हरी मिर्चें देखें हमारे पास रखी हुई है, इसको भी डाल देंगे। इसको भी बड़ा बड़ा काट लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ रेड वाली मिर्चें हैं, इससे कलर भी अच्छा लगेगा, ये भी हम डालेंगे। और बहुत तेज़ नहीं है ये, अगर आपके पास हो तो डाल दें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। चले अब जितना भी हमारे पास हरा धनिया बचा था, हमारे पास एक गड्डी थी, हमने आधा जो है उससे थोड़ा सा कम चटनी में यूज़ किया, बाकी हम इसमें डाल देंगे। इसमें कोशिश ये है कि भाई फ्रेश इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो और मिर्च मसाले थोड़े से कम हो। अच्छा पुदीना देखें हमारे पास दो टेबलस्पून के आसपास रखा हुआ, वो भी डाल देंगे। चले चले ये देखें। अच्छा देखें हमारे पास यहाँ कीमा है जो कि है 2 पाउंड, और इसको हमने धो के कम्प्लीटली पेपर टॉवल से ड्राई कर लिया है। अगर आप धो रहे हैं तो अगले दिन धो लें, मैं तो सजेस्ट करूँगी, और छन्नी में रख लें, उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख लें ताकि एकदम ड्राई हो जाए सुबह तक, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मटन का है, लेकिन आपका जो दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं, मटन भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद का मीट। तो ये देखें अब हम इसको डाल देते हैं अपने फूड प्रोसेसर में। बस
देखिए आधा जो है हमने फ्रेश मसालों के साथ पीस लिया है, तो अब हम निकाल लेते हैं इसे। और देखिए बारीक नहीं करना है, हमें सब चॉप चॉप किया हुआ नज़र आना चाहिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ये वाला कीमा डाल देते हैं इसमें। ये अब हमारा कीमा चला गया। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि एक टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, एक टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, एक टीस्पून कुटा हुआ धनिया, एक टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, एक टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और दो टीस्पून नमक। तो ये चला गया अंदर। और इसमें अब हम डालेंगे एक टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और एक टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, ये ना जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। ये हमारे पास आधा लेमन पड़ा हुआ है, इसको डालते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि सारी चीज़ें ड्राई डालनी हैं, अदरक लहसुन भी, ये सारी चीज़ें और नींबू आप डाल रही, इतना तो जाएगा, इतना तो अगर वो होगा तो फिर नहीं जा सकता ना। तो चले अब इसको हम बंद करते हैं और इसको पीसते हैं। हो गया, हमें इसे बहुत नहीं पीसना है, अब इसी में निकाल लेंगे। बड़ी शानदार सी खुशबूएं आ रही है नींबू की, मसाले की। चले ये तो हो गया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको बना के कच्ची फ्रीज भी कर सकते हैं, पका के भी फ्रीज कर सकते हैं, मतलब लाइफ साइड है इसको। एक मतलब आप बनाएं, बहुत तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। चले इसको अब ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि एक हमने फ्रेश मसालों के साथ पीसा था बैच, और एक सूखे मसालों के साथ पीसा था। अब इन लोगों का मिलाप हो रहा है, संगम, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मिलजुल के। अच्छा देखें, अब हमारे पास यहाँ एक चारकोल है, कोयला, इसको हम कोयले को जला लेते हैं। दरमियाना सा बॉल लेंगे जैसे इस तरह का, और इसको हम अपने इसमें डालेंगे स्ट्रॉ में डालने के बाद ऊपर से निकाल लेंगे और इसको अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता दबा कर सीख बनाएंगे। देखें हमने यहाँ पानी भी रखा हुआ है, यह पानी वाला हाथ करेंगे और अच्छे से दबा दबा के इसको बना लेंगे। भाई अब आप लोग कहेंगे कि रूबी आंटी सीख कबाब वाली तो बनी नहीं, सीख कबाब वाली 10-10 रुपए ले लो। आप लोग की वजह से दाम कम रखे। तो चले अब इसको हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। चले इसी तरह बनाते जाएंगे हम, झटपट बना लेंगे। अच्छा अब इसी तरह हम बना के इसको खुला खुला, ये जैसे मैंने ट्रे में रखा है ना, तो इसी तरह ट्रे में लेके और आप खुला फ्रीज कर दें। और जब थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो किसी भी ज़िपलॉक बैग में, बर्तन में, किसी भी तरह बड़ा लेने की फिर ज़रूरत नहीं है। वो जो बड़े बड़े बर्तन लेने पड़ते हैं ना कि सजा सजा के रखे, फिर उसके ऊपर वैक्स पेपर, फिर सजा सजा के, तो वो इतनी स्पेस फिर फ्रीज़र में अगर नहीं है, तो ये तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए इसको हार्ड करने के लिए डाल दें, और जब हार्ड हो जाए तो उसको ज़िपलॉक बैग में भर लें, किसी भी कंटेनर में, ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ऊपर ऊपर भी, जब भी मसला नहीं, क्योंकि हार्ड हो जाएगा ना। तो चले अब हम दूसरा इसी तरह बनाते हैं और सारे इसी तरह बना लेते हैं। बस पानी वाला हाथ ले लेंगे थोड़ा सा, लेकिन बस मेक श्योर ये करें हमारा कीमा जो था वो नॉर्मल था, हल्का सा फैट था, ज़्यादा फैट नहीं था, तेल वगैरह हमने कुछ नहीं डाला है, घी भी नहीं डाला है, लेकिन कीमे को रूखा होना ज़रूरी है, वरना ये आपके कबाब जो है वो बनेंगे नहीं। ठीक है, और अब हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं मीडियम हाई पे, और यहाँ हमारे पास एयर फ्रायर है, तो हम अपने कबाबों को दो तरीके से बनाएंगे। जिनके पास एयर फ्रायर है वो भी खुश हो जाएंगे कि वहाँ भी बन रही है, जिनको पैन में बनाना है वो भी खुश हो जाएंगे, तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो चले इसको हम ढकना हटाते हैं और हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। आप चाहें तो कम डाल दें और आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें। ये मैंने ऐसा डाला है कि ना शैलो फ्राई है ना शैलो फ्राई से थोड़ा सा कम है। तो चलें अब ये हमारा इतना गर्म हो गया है जितना हमें चाहिए था ऑयल के हिसाब से, तो अब हम अपनी सीख को इसमें डालते हैं। चलें
ये हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम हाई पे है और अब हम चलते हैं एयर फ्रायर की तरफ और हम थोड़ा सा सीखों पे स्प्रे कर लेते हैं ऑयल। बस ये देखें हमारा हो गया। अब इसको हम डालते हैं जहाँ हमने ऑयल डाला ना उसकी तरफ उल्टा डालते हैं ताकि ऊपर फिर डाल सकें। हमें ओवरलैप नहीं करना है, आपके पास जितना रूम है एयर फ्रायर में इतना डालेंगे। अब हम ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लेते हैं। 370 पे हमारा टेम्परेचर है तो हम वही रहने देंगे और अब हम जो है इसको 16 मिनट रखते हैं और ये स्टार्ट हो जाएगा। चले अब हम पहली जो डाली थी उसको चेक करते हैं। हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। अब हम पलट लेते हैं। चले हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस रखी है, क्राउडेड नहीं करेंगे। क्राउडेड करने से क्या होगा कि इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होगा, जो मॉइस्चर रिलीज़ होगा तो वो सिकेंगी कम, फ्राई कम होगी, मॉइस्चर में पकेंगी ज़्यादा और हमें मॉइस्चर पैदा नहीं होने देना है ताकि सीख कबाब जो है वो पैन में भी सीख कबाब लगे। देखें हमने एक साइड 4-5 मिनट रखी, अब इस साइड पे भी हम 4-5 मिनट ही रखेंगे और चूल्हा हम जो है वो अब कर देते हैं मीडियम। देखें हमने यहाँ एक फॉइल की प्याली बना ली है, अब इसको हम रखेंगे अपने पैन में सेंटर में और अपना कोयला इस पर डालेंगे और थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल देंगे। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम लो कर देंगे। 5 मिनट हमने एक साइड पकाया, 5 मिनट दूसरी साइड पकाया, अब 5 मिनट हम मीडियम लो करके कोयले के साथ रख रहे हैं। अगर आपको धुआं ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप कोयला निकाल लें, लेकिन मीडियम लो जो है वो 5 मिनट रखेंगे। हम भी निकाल लेंगे 1-2 मिनट में कोयले को, लेकिन 5 मिनट अब रखना है। देखिए 2 मिनट हो गई है, अब हम कोयला निकाल लेते हैं, इसको कवर कर देते हैं। देखें ये हमारे 6 मिनट हो गए हैं और कबाब हमारे ज़बरदस्त रेडी है। तो अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। देखें ये हमारा टाइमर भी ऑफ हो गया और ये भी देखें ख़तरनाक से कबाब्स रेडी हैं। चलें अब हम रोल को असेंबल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं हमारी चटनी में ताकि और मज़ेदार हो जाए। ये तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया, अगर आप चाहें तो डालें, आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन मज़े का लगेगा। तो ये देखें ये हो गया हमारा और अब हम अपना ये जो हमने पराठा बनाया था याद है आपको, लच्छा पराठा, तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, बहुत मज़ेदार है। इसीलिए बनाया था कि सॉफ्ट वाला कबाबों में, बोटियों में रोल बनाने में बड़ा सही रहेगा। तो चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये एक पराठा लेते हैं, इसके अंदर एक सीख डालते हैं और सीख डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ये रायता, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी आप डाल लें, कम डालें ज़्यादा डालें। और यहाँ मैंने बारीक बारीक वो जो सीख कबाबों के साथ प्याज होती है ना वो काटी है, उसमें हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें काट के डाली है और मज़ेदार लगेगा। तो चलें इसको हम डाल देते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और अब इसको हम रोल कर लेंगे। ये देखिए किसी भी किस्म की हम टूथपिक या कुछ ले लेंगे, उसको डाल देंगे और बस ये इस तरह से बनाते रहेंगे और रखते रहेंगे। इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है। देखा कैसे झटपट हमने सीख कबाब बना लिए, वो भी दो दो तरह के, और फिर हमने सीख कबाब के रोल भी बना लिए। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इफ्तार में भी बेहतरीन है, सहरी में भी बेहतरीन है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखें कैसी ख़तरनाक लग रही है, ये देखें। और अब मैं ये डुबोंगी रायते में, चटनी में। इस कदर रिफ्रेशिंग टाइप का है और चटपटा सा है, मज़ेदार, एकदम ख़तरनाक वाला मज़ेदार। जब इफ्तार में या सहरी में जब खाएंगे जो मुंह ख़राब हो रहा होता है ना, मज़ा आ जाएगा। और फिर देखा आपने कि कितना इसमें ऑयल वगैरह नहीं गया है, हैवी भी नहीं है बिल्कुल। चले अब मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ। ओह
खतरनाक, दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन लग रहा है। तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चपातियों के साथ भी खा सकते हैं, रोल के तौर पे भी खा सकते हैं। पराठे भी हमने बनाए हैं, फ्रीज़र में रखे हुए हैं, और ये भी आराम से आप फ्रीज कर सकते हैं, ढेर 100 भी रख सकते हैं एक साथ ज़िपलॉक बैग में, लेकिन पहले खुली रखें, मज़ा आ जाएगा। जब दिल चाहा निकाला, बना के भी रख सकते हैं इस तरह, और फिर निकाल लें, डिफ्रोज करें, बाहर ही रखा रहेगा, थोड़ा सा गर्म करके खा लें, लाइफ मज़ेदार। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट जाऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।